तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मछली फ्राई, और मछली फ्राई हमने यहाँ पर दो प्रकार के बनाए हैं। यहाँ पर हमने एक रोहू मछली बनाया है और एक रानी मछली। तो यहाँ पर अब हम अच्छे से क्या करना है, पहले अच्छे से मछलियों को अच्छे से धुल लेना है, और फिर क्या करना है यहाँ पर आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर हमने मछली को अच्छे से धुल लिया है, और यहाँ पर हमने दोनों मछली को अलग अलग प्लेट में निकाला है। और हमको मसाले में क्या लेना है, प्याज लहसुन मिर्च और अदरक को अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद हमको मछली में डाल देना है और मिक्स कर लेना है अच्छे से। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हल्दी डाल दिया है। हल्दी यहाँ पर हमने अपनी मछली के हिसाब से डाला है, तो आपके पास जितनी मछली है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच इन दोनों मछलियों में डाल दिया है। और अब हमको क्या करना है, इसमें नमक मिला लेना है। नमक आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून बड़े वाले मिला लिया है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पर हमने गरम मसाला मिला लिया है, और अब हम मिलाएंगे राजेश मसाला। और फिर यहाँ पर हमने लाल मिर्च इसमें डाल दिया है, और फिर इसके बाद इसमें हम लोग राजेश मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने राजेश मसाला और सभी मसालों को मिक्स कर लिया है, और इसे हमको अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हमको इस वाली मछली को भी वही सारे मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर अब हम चलते हैं, इसे सीधा करते हैं डीप फ्राई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सीधा कढ़ाई रखा और मछली को तेल में डाल दिया है, और यहाँ पर हमने दोनों मछली को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी मछलियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, और इसे हम और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक मछली फ्राई हो रही है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमको मछली को अच्छे से अलट पलट कर फ्राई कर लेना है, और इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है, ऐसे पलटते भी रहना है। और जब तक ये अच्छे से करारा नहीं हो जाता, या फिर यह जब तक अच्छे से लाल नहीं हो जाता, तब तक इसे हमको फ्राई करते रहना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो रेसिपी है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे कर लेंगे सर्व, और नींबू मारेंगे, यानी कि नींबू गाल लेंगे इसी में, और प्याज भी काट लेंगे, और खाएंगे आराम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।